Hi guys, I'm Kranti Sambo. Welcome to Times Drive. We are in Jaisalmer, as you have seen, and we are here to drive this Tata Altroz, which is going to launch very soon. Its booking has started. And I can't tell you now what the plus is, minus is, or negative, positive is. What is good or not good? What will be left in my opinion? Or what are its qualities? क्योंकि 9 दिसंबर तक का एम्बार्गो है हमारे ओपिनियन के ऊपर, लेकिन हम अब ये तो बता सकते हैं कि कार दिखने में क्या क्या एलिमेंट्स लेकर आई है, कितनी नई आपको लगेगी, तो हम दिखाते हैं, आप बताइए आपको कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके चेहरे के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ क्लोज लुक इसके फेस के ऊपर, फ्रंट ग्रिल आप देखिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ आप कोई डिजाइन जाता हुआ नजर आएगा। नीचे इसके पूरा एक क्रोम लाइन है जो किनारे से लेके यहाँ से कैरी ओवर होके पूरा जाता है दूसरी साइड तक। सिमिलरली दिस ब्लैक लाइन आल्सो गोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और इसी में आप हेडलैम्प के ऊपर वाले हिस्से को देख सकते हैं, इसे भी ब्लैक आउट किया गया है। नीचे आप फॉग लैम्प्स का शेप अलग देखें, और अगर लिप्स की बात करें यहाँ बम्पर के ठीक नीचे, वो आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा, उसमें थोड़े से कर्व्स आपको अलग से मिलेंगे, थोड़ा सा प्रोट्रूडेड आपको यहाँ पर लिप्स नज़र आएगा। और यहाँ अगर हम बोनेट की बात करें, यहाँ पर दो लाइंस आप स्पेसिफिक देख सकते हैं जो इसके शेप में आपको यहाँ इंटीग्रेटेड नज़र आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। तो इस बोनेट के ठीक पीछे आप जब नज़र डालें तो आप देखेंगे एक लंबा चौड़ा सा विंडस्क्रीन है, जहाँ पर डैश का बहुत सारा हिस्सा, कार के इंटीरियर का बहुत बड़ा हिस्सा आपको यहाँ देखने को मिलता है। वहीं इसके बोनेट के पीछे वाला जो हिस्सा है वो फाइबर का इस्तेमाल इसमें किया गया है, एक पैटर्न है जो आपको अलग देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसके साइड प्रोफाइल के ऊपर नजर डालते हैं, यहाँ पर जो क्रोम और ब्लैक आउट हिस्सा था वो, जैसा हमने कहा कि साइड से शुरू होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसके ठीक नीचे अगर आप देखें, जो व्हील्स के अलॉयज के जो डिज़ाइन हैं उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। आपको कैसे लग रहे हैं डिज़ाइन, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। फिर आप देखेंगे साइड इंडिकेटर यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, और फिर जो रियर व्यू मिरर है उसके नीचे आप देखें क्रोम का इस्तेमाल, ऊपर ब्लैक आउट इसका पियानो फिनिश आप हिस्सा देख सकते हैं। देन यू हैव दिस ब्रॉड ए पिलर, और इसके बाद ये स्ट्रिप आप देखें जो कि आप टाटा की और भी कास्ट में भी हाल फिलहाल में देखें, नेक्सॉन में आपने देखा है इस तरह का पैटर्न, वही डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। अंदर का नज़ारा थोड़ी देर बाद अभी दिखा, थोड़ा सा सस्पेंस और हम बना के रखते हैं क्योंकि पिछला हिस्सा भी बाकी है। तो अब पिछले हिस्से पर जाने से पहले एक नज़र हम डालते हैं इसके इस डोर हैंडल के ऊपर, जो आपको डोर पैनल में नहीं बल्कि सी पिलर में देखने को मिल रहा है यहाँ पर इंटीग्रेटेड। ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला, और भी कई कास्ट में है, तो ये एक अलग यहाँ पर एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है। देन वी लुक एट द रियर डिज़ाइन ऑफ दिस Altroz, यहाँ एक बोल्ड आपको Altroz की बैजिंग यहाँ देखने को मिलेगी, अगेन ब्लैक आउट पियानो फिनिश वाला ब्लैक आउट आपको बीच का पैनल मिलेगा, ऊपर भी काफ़ी हद तक ब्लैक आउट है। और जो हिस्सा जैसे फ्रंट ग्रिल में जो डिज़ाइन एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा या पैटर्न अंदर की तरफ जाता हुआ, वहीं ये शोल्डर भी अंदर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। देन जो हिप लाइन है वो पूरा आप देख सकते हैं कि वो रेड है, और या जैसे कि इसकी इसका बॉडी कलर है। यहाँ पर आप अगर देखें स्किट प्लेट, जो फाइबर की फील यहाँ पर देने की कोशिश की गई है स्किट प्लेट जैसी, वो आपको लगेगा। प्लस काफ़ी ब्रॉड जो मार्जिन या हाइलाइट्स आप देखेंगे ब्लैक के इन सभी टेल लैम्प्स के इर्द गिर्द। और एक और एलिमेंट है जो आपको ये देख सकते हैं, जिस तरीके से टेल लैम्प का एक्सटेंशन आप यहाँ जैसे हेड लैम्प्स के एक्सटेंशन साइड तक जाते हुए दिखाई दे रहे थे, वैसे इसके टेल लैम्प के एक्सटेंशन भी आपको दिखाई देंगे। और यहाँ छोटा सा बटन है जो हैच खोलता है, जिससे और सामान रखने की जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वाले वर्जन में जैसे आप देखें 60-40 स्प्लिट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सीट को आप रिट्रैक्ट या फोल्ड ज़रूर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ एक पासल ट्रे भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अब आई एम श्योर यू मस्ट बी वेटिंग कि कहानी अंदर कैसी है, अंदर तो ज़रा दिखाइए, लेट्स गो अंदर चलते हैं। फाइनली वी आर इन दिस टाटाज Altroz, जो अभी मैं फिलहाल चला रहा हूँ वो डीजल इंजन है, पेट्रोल वर्जन भी आने वाला है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया, इंटीरियर का लुक कैसा है वो आपको दिखाने का, और वही आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप नजर डालें, लेफ्ट साइड में मुझे मोड्स दिख रहे हैं, यानी ब्लूटूथ या USB, और ये सब सिलेक्शन के बीच में आप जो ऑप्शन है वो टॉगल बटन कह सकते हैं, प्लस ऑडियो, प्लस माइनस ट्रैक्स,
प्लस माइनस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और वॉइस कंट्रोल यहाँ से देखने को मिल रहा है। राइट साइड में अगर आप देखें, साइन से पता चल गया होगा, ये क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। अब मैं इस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को दबाता हूँ। इंटीग्रेटेड डिज़ाइन आप देख सकते हैं, चाहे वो वेंटिलेशन का हो, फैन स्पीड का हो, एसी का ऑन ऑफ करने का हो, और साथ में आप टेम्परेचर चेंज करने के लिए यहाँ पर जो नॉब है वो देख सकते हैं। बीच में क्रोम का हल्का सा इस्तेमाल किया गया है। उसके ठीक नीचे अगर आप देखें, ये स्लॉट लग रहा है कि और किसी फंक्शंस के लिए भी बाद में यूज़ होगा, ऑक्स के लिए यूज़ होगा। फिलहाल एक यूएसबी का पॉइंट है, 12 वोल्ट का पावर पॉइंट यहाँ पर दिया गया, सामान रखने की आपको जगह यहाँ दी गई है। इसके अलावा ये बटन जो आप गियर शिफ्ट के नीचे देखें, ये इको मोड ऑन कर देता है। जब आप इसे दबाते हैं तो ये सिटी से इको मोड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये कार आपको बता रही है। और अब इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि दोनों साइड एनालॉग कंट्रोल्स हैं या डिस्प्ले है, चाहे वो स्पीडोमीटर हो या फिर टैकोमीटर। लेकिन लेफ्ट में आप देखें तो दरअसल स्क्रीन है, और उसके बीच में आपको और भी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, चाहे वो डिस्टेंस टू M2 फिलहाल दिखा रहा है। इसके अलावा म्यूज़िक कौन सा बज रहा है, प्लस ऑडो का की जो रीडिंग है वो आपको बता रही है। फ्यूल गेज है, तो स्क्रीन और एनालॉग दोनों का मिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है, यहाँ कप होल्डर्स आपको दो मिलेंगे, और इस की के बारे में मैं अलग से बात करूँगा इस वॉकअबाउट में नहीं। तो ये फीचर हमने पहले भी टाटा की गाड़ियों में देखा था, इसमें भी कंपनी लेकर आई है। छोटे कप होल्डर्स यहाँ देखने को मिलेंगे, आर्मरेस्ट जिसको आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, और उसके पीछे सामान रखने की जगह होनी चाहिए जी। ये दरअसल मैग्नेटिक सा लग रहा है लॉक, और यहाँ पर सामान रखने की आपको जगह मिल रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या बचा है, जाहिर सी बात है सेकेंड रो सीट। तो मैंने इसे अपने हिसाब से ड्राइविंग सीट को एडजस्ट कर लिया है, और पिछली सीट पर मैं अब जाके देखता हूँ कि वहाँ पर माहौल कैसा है, क्या कुछ फीचर्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। एल्ट्रोज का सेकेंड रो जहाँ पर बैठते ही आप सबसे पहले अगर अब मैं बात करूँ, यहाँ आर्मरेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा जो एक पैटर्न है अलग टाइप का आपको इसमें पैटर्न इस पॉलिसी में देखने को मिलेगी, तीन लोगों के बैठने की जगह, और ये एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट दो पैसेंजर्स के लिए देखने को मिल रहा है, और प्लस आइसोफिक्स एंकरेजेस के जो आप यहाँ पर स्लॉट्स देख सकते हैं। और फिर अगर अंदर में आप फीचर की बात करें, तो एसी वेंट्स आपको यहाँ मिल रहा है, 12 वोल्ट का पावर पॉइंट भी मिल रहा है। ओह, वैसे दरवाजे का स्लॉट जो था वो अगले दरवाजे में छोटे अम्ब्रेला रखने की भी जगह है, वो मैं बताना भूल गया था। और अब टेक्सपेक्स की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि वी आर ड्राइविंग दिस डीजल वर्जन राइट नाउ, और बाद में पेट्रोल वर्जन चलाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें, जो इंजन लगा है वो 1.5 लीटर वाला BS6 डीजल इंजन लगा है, जिसकी 1497 cc क्षमता है, यानी कैपेसिटी है, और जो पावर है दैट इज़ अराउंड 89-88 BHP, 90 PS की पावर इसमें है 4000 RPM पर। वहीं 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है 1250 से 3000 RPM के बीच में। और इसमें जैसा हमने बताया, इको और सिटी ड्राइव वर्जन दोनों ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो टायर साइज़ जो है वो आपको 16 का मिलेगा, और वहीं दूसरे वाले वर्जन में आपको 14 साइज टायर्स भी मिलेंगे। वहीं अगर पेट्रोल वर्जन की बात करें, तो उसमें 1.2 लीटर BS6 थ्री सिलेंडर इंजन लगा है, और उसकी जो ताकत है वो अराउंड 85 BHP की होगी, जो लगभग 6000 RPM पर आएगा। वहीं 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा, और ये टॉर्क जो है वो लगभग 3300 RPM पर आने वाला है। इसमें भी इको और सिटी मोड दोनों आपको मिलेगा। ओवरऑल लेंथ इसकी अगर बात करें, 3990 mm इसकी लेंथ है, और जो हाइट है वो 1523 mm की है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है अनलेडन दैट इज़ 165 mm। तो गाइस, हाउ डू यू लाइक दिस कार? क्योंकि मैं तो ये नहीं बता सकता कि हाउ डू आई लाइक दिस और हाउ डिड आई लाइक दिस, बिकॉज राइट नाउ जैसा मैंने बताया, एम्बार्गो है, 9 दिसंबर के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप ज़रूर बताइए आप क्या सोच रहे हैं इसके लुक और फीचर्स के मामले में, क्योंकि जनवरी में सड़कों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। देन द बुकिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड। इंजन ऑप्शन की बात करें, पेट्रोल डीजल दोनों आपको ये ऑप्शन के साथ आने वाली है। इसके अलावा i20, लीटर i20, बलिनो जैसी कास्क ये मुकाबला देगी। सो व्हाट डू यू थिंक, डू लेट अस नो अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियन इस कार के बारे में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो इस वीडियो को कीजिए ही, और बताइए कि इसके बारे में कौन सी चीज़ें और है जो आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं। बाय बाय।